सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। नेताजी, आप कांग्रेस में काफी बड़े पद पर थे और वहां से बीजेपी में आप दोबारा आ गए हैं, अपनी घर वापसी की है, तो इसके बारे में आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी, क्या कारण रहा आपका? आपने सही कहा मान साहब कि मैं कांग्रेस में बड़े पद पे था, लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाई उस समय कांग्रेस का स्टैंड ठीक नहीं था। कांग्रेस ने विरोध किया, इसमें बड़ा क्षुब्ध हुआ और मुझे ठीक नहीं लगा। और मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, इसके बाद पार्टियां हैं, और मुझे कांग्रेस का जो स्टैंड था वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ा। तो मेन मकसद आपका रहा कि जो 370 में इनका कार्य रहा और इनके कार्यक्रम रहे वो आपको पसंद नहीं आए, इस कारण आपने छोड़ दिया? हाँ, ये भी कारण था। दूसरा, जो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण करती है ये भी अच्छा नहीं लगता था मुझे। दूसरा, कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है जो कांग्रेस को संभाले, कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, लीडर नहीं है, किसके सहारे से कांग्रेस में रहते, कोई काम नहीं था कांग्रेस में। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकारें जो देश और प्रदेश में चल रही हैं, आज विकास के नए आयाम छू रही हैं, नई नई योजनाएँ आ रही हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सबको देखते हुए मुझे लगा कि मैं अपने घर में वापस जाऊं और मेरा वहीं भला होगा, क्योंकि मेरा जो उदय हुआ था भारतीय जनता पार्टी से हुआ था, मैं शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही किया था। तो आप भी मानते हैं कि 2014 में जो आपने निर्णय लिया था कांग्रेस में जाने का, उस निर्णय को आपने देखा कि मैंने गलत निर्णय ले लिया था, तो आज बहुत गलत निर्णय था मेरा, और मैं आवेश में आके 14 में जो निर्णय लिया वो बिल्कुल गलत निर्णय था, और मैंने अपनी भूल को सुधार किया है और अब मैं भारतीय जनता पार्टी में आजीवन भारतीय जनता पार्टी में रह के ही काम करूँगा। क्या कोई लोभ दिया गया पार्टी द्वारा कि आप कुछ डिमांड करके आए हैं, कि आप केवल नीतियों के आधार पर आए हैं पार्टी में? नहीं, कोई डिमांड नहीं मेरी, मैं कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ भारतीय जनता पार्टी में। कार्यकर्ताओं के बीच में मैं पहले भी रहा हूँ, मैं जिले का अध्यक्ष रहा हूँ, संगठन को देखा है, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, उन्हीं के बीच में आज भी मैं काम करूँगा। कोई ऐसी डिमांड नहीं है मेरी कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने डिमांड की हो, बस काम करूँगा भारतीय जनता पार्टी में। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।